आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज गुरुवार का दिन है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग की जो लास्ट मीटिंग है बहुत ही शानदार रही होगी और आप सभी लोगों ने अपने जो नेक्स्ट रैंक है उसे पाने के लिए बहुत सारी जो दूरी है उसे तय की होगी। आज गुरुवार का दिन है और आज आप सभी लोग के कमेंट बॉक्स में पूछे गए सवालों के जवाब इस ट्यूटोरियल में दिए जाते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते ट्यूटोरियल की तरफ और जानते हैं कि आपने क्या सवाल पूछे हैं और क्या उसके जवाब होने चाहिए। तो चलते ट्यूटोरियल की तरफ, जानते हैं पूरे प्रोसेस को। स्वागत तो करो हमारा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं, सोचे मत, सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के इस ट्यूटोरियल में। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेफ शॉप का जो नोनी है जो हमारे वेब पोर्टल पे उपलब्ध है, ठीक इसी तरह का नोनी अन्य प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध करा रहे हैं, डायरेक्ट टू डायरेक्ट उपलब्ध करा रहे हैं, जबकि जो वो नोनी है वो नकली नोनी है। तो असली नोनी में और सेफ शॉप की नकली नोनी में और सेफ शॉप की नोनी में क्या अंतर है, इसे जानने के लिए बेहतर तरीके से आप इस वाले ट्यूटोरियल को वॉच करते हैं तो यहाँ से आपको सही और पूरी जानकारी मिलती है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा फेसबुक पेज DS मानवेंद्र सेफ शॉप अगर उसे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर के उसे फॉलो कर लीजिए। ये रिक्वेस्ट इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे या इस चैनल पे मैं बहुत सारी जानकारी ऐसी है जो आप लोगों से शेयर नहीं कर सकता, जैसे कि किसी भी व्यक्ति का मोबाइल नंबर, किसी भी जगह का जो एड्रेस होता है या किसी का ईमेल आईडी, मैं आपको यहाँ पे जानकारी नहीं दे पाऊँगा क्योंकि यह यूट्यूब जो गाइडलाइन है या यूट्यूब का जो कम्युनिटी गाइडलाइन है वो इसे इजाज़त नहीं देता, इन सब इंफॉर्मेशन को इस प्लेटफॉर्म पे देने की इजाज़त नहीं देता है। और कई ऐसे मसले होते हैं, कई आप लोगों के सवाल होते हैं जिसमें ईमेल आईडी बताना, मोबाइल नंबर बताना, टेलीफोन नंबर बताना, यहाँ तक कि उसका एड्रेस बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस जो फ़ायदे के लिए या इस जानकारी को आप फेसबुक पे मेरे ले सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज के सवाल और जवाब की तरफ। और जो सबसे पहला जो सवाल पूछा है वो साथी हैं जिग्नेश मखवाना ऑफिशियल करके एक साथी हैं और उन्होंने इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत किया है। और सर ने ये पूछा है कि सर ने कहा है कि मानवेंद्र द ग्रेट कमांडो, तो ये किस लिए कहा है आपने मुझे पता नहीं, लेकिन आपको थैंक यू। मैं कोई कमांडो नहीं हूँ, मैं एक डायरेक्ट सेलर हूँ, सिंपल डायरेक्ट सेलर हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं हूँ। और इन्होंने अपनी भाषा में बोला कि तारो नंबर मोकल, यानी कि आपका नंबर मिलेगा तो बिल्कुल मुझे मेरा नंबर भी मिलेगा, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है DS मानवेंद्र सेफ शॉप, आप यहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। और मेरा फेसबुक जो पेज है उसका भी नाम DS मानवेंद्र सेफ शॉप है, आप यहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। यस, पेज पे जाने के बाद से आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा। इसके बाद से माँ एस के जी करके एक यूज़र हैं और ये इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में साथी सवाल करते हैं और ये साथी पूछते हैं कि सुपर गुरु जी PDF भेज दीजिए। तो इस वाले प्लान का सर PDF मांग रहे हैं, तो PDF कैसे भेजा जाता है अभी से मैं सीख रहा हूँ और जो मेरी मोबाइल की कैपेसिटी है वो इतनी कैपेबल नहीं है कि मैं भेज पाऊँ। मैं सीख रहा हूँ, जैसे मुझे ये आ जाएगा मैं आप लोग को भेज दूंगा या मैं अपने फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम पे छोड़ दूंगा, आप वहाँ से भी इसे ले सकते हैं। एक काम आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी ईमेल आईडी मुझे भेज दीजिए, मैं आप लोग को इसका PDF भेजने की कोशिश करूँगा। इसके बाद से ट्रिपल मोटिवेशन करके एक साथी हैं और उन्होंने भी सेम बात कही है इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में कि सर ये PDF भेज दीजिए। तो आपको भी मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मुझे आप DS मानवेंद्र सेफ शॉप जो मेरा फेसबुक का पेज है उस पर जाके लॉगिन, उस पर जाके फॉलो कीजिए और वहाँ पे अपना ईमेल आईडी दीजिए, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए क्योंकि PDF मैं इन्हीं सब के माध्यम से भेज सकता हूँ। आलोक यादव जी हैं और इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत करते हैं। सर, कि इस वाले ट्यूटोरियल में जो ईमेल आईडी दी गई है वो इनवैलिड है, कॉन्टैक्ट नंबर जो दिया गया है वो सही नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो यूट्यूब का गाइडलाइन है वो इतना बेहतर बना दिया गया है इसे कि मैं अब इस वाले ट्यूटोरियल पे, इस वाले प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, अपने इस चैनल पे मैं किसी भी कंपनी का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर या टेलीफोन नंबर मैं एक्सपोज नहीं कर सकता। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे फेसबुक पेज DS मानवेंद्र सेफ शॉप पर जाके फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर मैं ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर,
या टेलीफोन नंबर से संबंधित जितनी भी जानकारी मैं वहीं पे शेयर करूँगा। इसके बाद से इसके सापेक्ष में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मैं जल्दी टूल्स मंगाने पे या टूल्स कहाँ से मंगवाएं, कैसे मंगवाएं, कितना पेमेंट करना है, कितना दिन में आएगा, क्या प्रोसीजर होता है, जल्दी ये ट्यूटोरियल ले आऊँगा फेसबुक पेज पे। आप उसे फेसबुक पेज पे जाके देख सकते हैं। यूट्यूब पे ये बात मैं नहीं शेयर कर पाऊँगा, ये जो कॉन्टेंट है ये मैं नहीं यहाँ पर अपलोड कर पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिटी गाइडलाइन के अंतर्गत मेरा चैनल बैन हो सकता है। इसलिए मैं इस प्लेटफॉर्म पर टूल्स से संबंधित कोई भी जानकारी शेयर नहीं कर सकता। और इसके बाद से पूर्वी गुरुंग जी हैं, इसलिए ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत करते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छा बोले सर। तो बिल्कुल पूर्वी जी, ये आपको बात समझ में अगर आ गई है तो इसे पूरी टीम में बताने की ज़रूरत है, अपने साथियों को बताने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। क्योंकि ये ऐसे वेबसाइट पे, ऐसे ऐप पे ये इंफॉर्मेशन नोनी की अपलोड है जहाँ से बहुत सारे लोग शॉपिंग करते हैं और उन्हें जानकारी न होने की वजह से वो असली नोनी की जगह पे नकली नोनी खरीद रहे हैं। तो इसे हमें और आपको रोकना पड़ेगा, तो इसे थोड़ा सा फैलाने की ज़रूरत है, इस इंफॉर्मेशन को। इसके बाद से गुरविंदर सिंह जी हैं और इसी वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत करते हैं और कहते हैं कि वेरी गुड सर, बहुत अच्छा किया, बता दिया। तो बिल्कुल मैंने आपको बताया गुरविंदर सर, तो आप बहुत सारे लोगों को बताइए, अपनी टीम में बताइए, क्योंकि जो हमारा सामान है वो ओरिजिनल सामान है और जो उस प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है वो सामान बिल्कुल नकली है और नुकसानदायक है। इसके बाद से मोइन असलम सिद्दीकी जी हैं और इसलिए ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत करते हैं और सर कहते हैं कि सर मेरा लड़का है, सॉरी बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ज़्यादा है, इसलिए ट्यूटोरियल में जो मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से सर को पूरी बात सही से समझ में नहीं आई। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और मोइन जी, क्योंकि मैं भी अभी नया नया हूँ, बहुत ज़्यादा जानता नहीं हूँ, सीख ही रहा हूँ बस, तो मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कोशिश किया हूँ मैंने कि बैकग्राउंड म्यूजिक का इस्तेमाल ना करूँ। और इसके बाद से राजेश रोशन जी हैं, इसलिए ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत करते हैं और सर कहते हैं कि सर मेरा लड़का है 13 साल का, बहुत ही दुबला पतला है, क्या उसे नोनी जूस दे सकते हैं, इसलिए ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में पूछा है सर ने। तो राजेश रोशन जी, मैं बस ये आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका लड़का जो दुबला पतला है इससे कोई मैटर नहीं करता, 13 साल की उम्र में क्या उसका जो वज़न है वो हमें आप बताइए कि उसका वज़न, कुल वज़न कितना है। साथ ही साथ ये भी बताइए क्या वो कमज़ोर है, यानी कि कमज़ोरी के उसके अंदर लक्षण है, सुबह लेट में उठता है या आलस करता है या चिड़चिड़ापन रहता है, बात बात में नाराज़ हो जाता है, ये सारे लक्षण हैं। क्योंकि दुबला पतला होना कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हाँ कमज़ोरी अगर है तो ये बीमारी है, चिड़चिड़ापन है या आँखों की रोशनी धुंधली दिखाई देती है या उसे आलसपन है, तो ये बीमारियाँ हैं। दुबला पतला होना ये बीमारी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे जसवीर सर को देख लीजिए, आज एकदम उसी तरह से सिगरेट की तरह हैं, लेकिन आप देखें तो कितने स्वस्थ रहते हैं। तो स्वस्थ है आपका बच्चा या नहीं ये ज़रूर बताइएगा, कितने किलो का है ये ज़रूर बताइएगा, और कमज़ोरी के उसके अंदर कोई लक्षण है या नहीं है। जो प्राइमरी जो सिम्टम होते हैं कमज़ोरी के, वो ये होते हैं कि आपका बच्चा लेट में उठता है, आलस करता है, कोई बात आप कहते हैं तो चिड़चिड़ापन हो जाता है, उसका उम्र के साथ साथ जो वज़न होता है वो वज़न उसे नहीं, उसका वज़न नहीं है। तो ये दो तीन चीज़ें आप मुझे ज़रूर बताइएगा, पहली चीज़ कि उसका वज़न कितना है, दूसरा चीज़ कि क्या उसमें आलस के कोई लक्षण हैं या नहीं है ये ज़रूर आप बताइएगा, तीसरा चीज़ क्या आपको लगता है कि वो कमज़ोर है। ये कुछ चीज़ें हैं जिसे आप DS मानवेंद्र सेप शॉप, मेरा जो फेसबुक पेज है वहाँ पे आप जाकर के मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या वहाँ पे मैसेज छोड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। और अगर बाय रूल देखा जाए तो 12 साल से ऊपर के लोगों को नोनी प्रीफर की जाती है, लेकिन आपके केसेस में आप पूरी डिटेल बताएंगे तभी मैं आपको अलाउ कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो ये कुछ सवाल थे जो मैंने इस जो गुरुवार को लिए। आप लोग का अगर कोई सवाल होगा तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा। साथ ही साथ एक बार दोबारा मैं आप लोगों से विशेष अपील करना चाहूँगा कि आप लोग YouTube चैनल के साथ साथ मेरा जो DS मानवेंद्र सेप शॉप नाम का Facebook पेज है उसे भी आप फॉलो कर लीजिए। इसलिए क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे जो इन्फॉर्मेशन है जो मैं अपलोड नहीं कर सकता, जो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइन के अंतर्गत YouTube की जो कम्युनिटी गाइडलाइन है, YouTube प्लेटफॉर्म पे मैं किसी का ईमेल आईडी, किसी का एड्रेस और किसी का मोबाइल नंबर या टेलीफोन नंबर अपलोड नहीं कर सकता, बता नहीं सकता। Facebook पे ऐसी पाबंदी नहीं है, तो आपको वहाँ पे जानकारी मिलेगी।
आप सभी ने अपना बेशकीमती समय दिया इस ट्यूटोरियल को वॉच करने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। जय हो सेफ टॉप, जय हो अपलाइन, जय हो महागुरु।